सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तकरीबन 2 साल से 2.5 साल का अरसा बीत रहा है। पूरी दुनिया बड़ी मुश्किलात में और बड़ी मुसीबतों में गिरफ्तार है, बिलखुसूस कोविड को लेकर, ये बीमारी को लेकर। ये एक बला है, कोविड एक बीमारी है, और इसकी वजह से कई मुसीबतों ने जन्म ले रखा है। अगरचे लोगों को ये एक ही मुसीबत नज़र आती है, लेकिन ये एक मुसीबत कई मुसीबतों का पेश खैमा है। इसी एक मुसीबत बीमारी की वजह से मौत के अंबार भी सामने हैं, इसी की वजह से भुखमरी का मामला भी सामने है, इसी की वजह से रोज़ी रोटी के मसाइल भी सामने हैं, इसी की वजह से खुदकुशी के मसाइल भी सामने हैं, इसी की वजह से गुर्बत की सतह बढ़ रही है, इसी की वजह से बेरोज़गारी की सतह बढ़ रही है। इस साल में फिर 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे मुल्क के अंदर बेरोज़गार हुए इस साल में। ये दूसरी लहर के मौके पर, अब सही तादाद कितनी है तो अल्लाह जाने, लेकिन हमारी निगाहों के सामने जो आदाद व शुमार आते हैं, हम उस पर एतबार करते हुए अर्ज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेरोज़गारी है, दूसरे अमराज हैं, वबाई इस मर्ज़ की वजह से तंग दस्ती है, शादियां रुक रही है, इसी तरीके से इबादत खाने जो है वो बंद हैं, मज़ारात औलिया पर जाने पर लोगों को बहुत सारे इलाक़े में पाबंदियां हैं, ईद की वो रौनकें नज़र नहीं आ रही है। इस तरह से बहुत सारी मुश्किलें और मसाइब और मुसीबत है। इस मुसीबत के अंदर उम्मीद की किरण पैदा होनी चाहिए, इस मुसीबत के अंदर हौसला पैदा होना चाहिए, इस मुसीबत के अंदर हिम्मत पैदा होनी चाहिए। याद रखिए, जब भी मसाइब व आलाम आते हैं तो उस वक्त तो उम्मीद की किरण अगर कोई जगमगाता है तो उस मज़हब का नाम मज़हब इस्लाम है। गमों के अंदर अगर कोई हौसला अता करता है तो उस मज़हब का नाम मज़हब इस्लाम है। अगर कोई तालीमात जो है बुझे हुए दिलों को खिलती हुई कलियां बनाती है तो उस तालीम का नाम तालीमात मुस्तफ़ा जाने रहमत है। ऐसे वक्त में जबकि मुसीबतें मुसलसल आ रही है और मुसीबतें मुसलसल बरस रही है, यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनका खजाना जमा शुदा खत्म हो चुका है, यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनका खत्म होने के करीब है। इंसान को वहशत है, इंसान को तकलीफ है, इंसान को मुश्किलात है। याद रखिए, बहुत आसान नहीं है मुसीबतों का मुकाबला करना, लेकिन इस्लाम मुसीबतों के बारे में क्या कहता है? पहली बात तो यह है, इस्लाम मुसीबत मांगने की इजाजत नहीं देता, यानी मुसीबत मांगो नहीं। किसी ने हजरत सैयदना अबू जर गफारी के हवाले से इमाम हसन मुजतबा से कहा कि अबू जर गफारी ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मुझे मुसीबतें और बलाएं अता फरमा ताकि मैं उस पर सब्र करके तेरा कुर्ब हासिल कर सकूं। इसलिए कि उन्होंने अहादीस में सुन रखा था, अभी जो रिवायतें आपके सामने पेश की जाएगी उसमें मुसीबतों पर बड़ी बशारतें हैं, मुसीबतों का इनाम बहुत ज्यादा है। तो अबू जर गफारी ने कहा, अल्लाह मुझे मुसीबत में गिरफ्तार कर ताकि मैं वो इनाम हासिल करूं जो मुसीबत के बाद नसीब होता है। किसी ने इमाम हसन से कहा, इमाम हसन कहते हैं, अल्लाह अबू जर पर रहम फरमाए, अल्लाह अबू जर पर रहम फरमाए। इस मामले में देखिए, ये फिक्र में हम हजरत सैयदना अबू जर गफारी के मुत्तबे नहीं है, हमें इमाम हसन का रास्ता ज्यादा आफियत का नजर आता है। इसलिए कि जिसका जो जर्फ होगा, जिसको जितनी मारिफत इलाही नसीब होगी, जिसको जितना कुर्ब इलाही की दौलत नसीब होगी, जिसके पास जितना इल्म होगा, जिसके पास जितना इरफान होगा, वो उसके मुताबिक गुफ्तगू करता है, या यूं समझ ले जो जिस मंजिल पर खड़ा है वो उस मंजिल की गुफ्तगू करता है। हजरत अबू जर गफारी भी कोई कम हस्ती नहीं है, ये जमात सहाबा में सूफिया के इमाम है।
ये अहले जोहद में अपनी मिसाल आप हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा में जो जाहिदीन सहाबा थे उनमें सैयदना अबू जर गफारी का शुमार होता है। हज़रत अबू जर गफारी के हवाले से फरमाया गया कि अबू जर गफारी वो सहाबी हैं जिन्होंने एक लिबास पर अपनी जिंदगी गुजारी है। हज़रत अबू जर गफारी वो सहाबी हैं जो अक्सरों बेशतर बिस्तर से अलग रहते थे, यानी जितनी देर थोड़ी देर के लिए कुछ सहाबा सोते थे उससे भी आप किनारा कशी करते थे। आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, किसी मौके पर उसका जिक्र हो सकता है, अल्लाह तौफीक दे। तो अबू जर गफारी ने कहा, ए अल्लाह मुझे मुसीबतों में गिरफ्तार कर। इससे पता चला कि मुसीबतों की अहमियत क्या है, मुसीबतों की लज्जत क्या है, मुसीबतों का मकाम क्या है। लेकिन जब इमाम हसन से किसी ने कहा, वो तो मुसीबत और बलाओं की दुआ करते हैं, इमाम हसन ने कहा, अल्लाह अबू जर पर रहमत फरमाए, रहम फरमाए, हम इतने बड़े कब से हो गए कि अल्लाह से मुसीबत मांगने लगे या अल्लाह से नेमत मांगने लगे। हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हम ये कहते हैं अल्लाह अगर तेरी खुशी नेमत देने में है तो तू हमें नेमत अता फरमा, और तेरी खुशी मुसीबत देने में है तो हमें मुसीबत अता फरमा। हमें खुशी और गम से क्या गरज, हम तो देने वाले हाथों को देखते हैं। देख कौन रहा है। और याद रखिए कि बंदा सब्र करके जो मकाम हासिल करता है, नेमतों पे शुक्र करके भी बंदे को वो मकाम मिल जाता है। इसलिए बंदे को, हम जैसे बंदों को, खास तौर पे हम जैसे गंदे बंदों को, बंदा गंदा जिसको कहते हैं, हम जैसे गुनाहों की गंदगी में लुथड़े हुए, लिपटे हुए, हमें तो यही कहना चाहिए, अल्लाह नेमत दे ताकि मैं तेरा शुक्र करूं, नेमत दे ताकि शुक्र करूं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, नफिल रोजा रखकर सब्र करने वाला और खाकर शुक्र करने वाला सवाब में दोनों बराबर हैं। इसीलिए जब कोई नफिल रोजे पे हमें देखकर रश्क करता है या किसी को देख के रश्क करता है तो मैं कहता हूं खा ले और शुक्र कर। इसलिए कि शुक्र भी कोई मामूली इबादत नहीं। हदीस पाक में आया है, ईमान की दो शाखें हैं, निस्फ ईमान सब्र है, आधा ईमान सब्र है और आधा ईमान शुक्र है। सब्र भी आधा ईमान है और शुक्र भी आधा ईमान है। और हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सब्र भी अल्लाह की सिफत है, कि अल्लाह का एक नाम सबूर है, अस-सबूर, रुकने वाला, सब्र करने वाला। इसीलिए आप देखें इंसान कितना भी जुर्म करे, कितने भी पाप करे, वो जल्दी नहीं करता, वो अजाब को रोके रहता है, हलीम है वो, अस-सबूर, सब्र करने वाला। और जैसे उसकी सिफत अस-सबूर है वैसे उसकी सिफत अश-शकूर, उसका एक नाम अश-शकूर भी है, शकूर भी उसकी सिफत है। तो सब्र और शुक्र दोनों निस्फ निस्फ और आधे आधे ईमान है। और सूफिया की जबान में यह कहें कि इंसान की जिंदगी की गाड़ी के दो पहियों का नाम है, एक का नाम है सब्र और एक का नाम है शुक्र। यह गाड़ी जन्नत की पटरी पर चलती है जिसमें सब्र और शुक्र के पहिए लगे होते हैं। इसलिए इंसान को जब मुसीबत आए तो सब्र करे, मांगे नहीं, आ जाए तो सब्र करे और नेमत मिले तो शुक्र करे।